नोबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने माइक रुकेजे क्रिस्ट्रोक दम्मा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे करवा खेरी सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के लेपेट कायदले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपम फुई जे सिक्स लेन फुई दिबेले जाय पचांग दे जाय एट लेन फुई दिबे ते दोबिले जाय इंडियन एयरफोर्स फाइटर प्लेन लिम्बग्रीक लिम्बुंग्रमे इमरजेंसी कचांग दे जाय कनांग सांगबुलो लिमसोगा दो विबेम फुईले जे साले जाय नोबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपो उम्फुई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिम्बग्री इंडियन एयरफोर्स IAF गुक लिम्बुंग C-130 हेरिकल प्लेन्स के तेज लिमसाउ गए जाय अपो उम्फुई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किलोमीटर्स हाई चुमजा दाइकेट हाईवे फुई लेपेट कायदले के साथ ही शिलापट का अनावरण उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का आईना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषताओं और उत्तर प्रदेश की विकास गाथा पर एक छोटी सी फिल्म है आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश जो 2017 से पहले तक माना जाता था बीमारू प्रदेश पिछड़ा हुआ प्रदेश सुस्त प्रदेश मगर डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ गई और उत्तर प्रदेश बन गया एक्सप्रेस प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश की पहचान एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में सशक्त हो रही है। यूपी में कनेक्टिविटी के हजारों करोड़ के 5 मेगा प्रोजेक्ट पर एक साथ काम चल रहा है। आज पूर्वांचल हो बुंदेलखंड हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो हर कोने को एक्सप्रेस वे से जोड़ा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में 81,000 करोड़ की लागत से फ्रेट कॉरिडोर 7,725 करोड़ की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल 30,274 करोड़ रुपए की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जेवर में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 1,71,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली जेवर वाराणसी हाई स्पीड रेल लिंक परियोजना 20,000 करोड़ रुपए के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है।